हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि अभी क्वेश्चंस क्या आ रहा है कि जब लोग GSTR 9 फाइल कर रहे हैं तो उन्हें ITC दिख ही नहीं रहा है। 2A में कुछ आ रहा है ITC, 9 में कुछ आ रहा है, कुछ का क्या है कि 2A में ITC है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, वो बिल ही नहीं है। तो अब हम क्या करें, कैसे ले ITC? मैं कहता हूँ कि अगर आपका 2A में नहीं आ रहा है ना ITC, बिल नहीं आ रहा है, फिर भी आप ले लो ITC। तो ये कौन कर रहा है? मैं राम प्रकाश गौतम नहीं कह रहा है, ये CGST एक्ट 2017 का सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 कह रहा है। काउंसिल कह रही है, लॉ कह रहा है, एक्ट कह रहा है कि आप ले सकते हो। इसके लिए क्या क्या कंडीशंस है उस पे हम चलते हैं। तो चलिए, मैं हूँ राम प्रकाश गौतम आपके साथ और आप मेरे साथ इसे रीड कर लीजिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि आपको पता है कि GSTR 9 का डेट एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2019 कर दिया गया, तो आपके पास अब टाइम ही टाइम है। आइए, CGST एक्ट 2017 का चैप्टर 5 ITC लेने के बारे में बताता है। ये बताता है कि कौन कौन सी कंडीशन आप फुलफिल कर लेते हो तो आप ITC ले सकते हो। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में कहता है कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन ITC इन सब कंडीशन को फुलफिल करके ले सकता है। अगर इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया है, इन सारे कंडीशंस को, तो वो कोई भी ITC लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। सबसे पहली बात समझ लो। अब समस्या क्या हो रहा है कि लोग जो टैक्स पेयर्स हैं, GST एक कुरुक्षेत्र की तरह हो चुका है, टैक्स पेयर अर्जुन की तरह समझ ही नहीं पा रहा है, धर्म संकट में पड़ा हुआ है कि हमें करना क्या है। तो GST एक्ट जो है वो एज अ कृष्णा, लॉर्ड कृष्ण की तरह बता रहा है कि हे अर्जुन, हे पार्थ, सबसे पहले अगर तुम्हें GST का ITC लेना है तो तुम्हारे पास टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए, जिस टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट को सप्लायर ने इशू किया है। जो टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट तुम्हारे पास है जिसमें ITC लेने की ऑथराइजेशन सप्लायर तुम्हें दिया है, वो बिल तुम्हारे पास होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन। अब टैक्स पेयर ये परेशान है कि क्या मेरे पास बिल होगा तो मैं इनपुट ले लूँगा, ITC मैं ले सकता हूँ। अब फिर लॉ कहता है कि भाई, बिल ही खाली तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, बिल के साथ साथ ये श्योर कर लो कि तुमने गुड्स भी लिया है, यानी कि माल परचेज किया है, या सर्विस कोई लिया है तो वो सर्विस तुमने लिया है, और अगर दोनों चीज लिया है, माल भी लिया और सर्विस भी लिया, तो वो दोनों का प्रूफ तुम्हारे पास होना चाहिए। यानी कि आप ये ध्यान रखना कि जब भी माल लो तो ये आप साबित कर सकते हो कि मैंने माल लिया है। इसके लिए आप दो तीन चीज में, एक प्रैक्टिकली लॉ में लिखा नहीं है, प्रैक्टिकली क्या होगा, आप सबसे पहले अपनी कंपनी में जब माल आए तो बिल का दो कॉपी जरूर लो, ओरिजिनल फॉर रिसिपेंट और डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर। एक तो ट्रांसपोर्टर से गुड्स के केस में, याद रखना गुड्स के केस में मैं ये बात बोल रहा हूँ, सर्विस के केस में तो एक बिल तुम्हारा काफी है। लेकिन बेटा ये तुम्हें याद रखना है अपने को कि अपने को दो बिल जरूर लो, ये लॉ नहीं बल्कि एक आपको एहतियात के रूप में कह रहा हूँ कि आपका कल स्कूटनी में केस आएगा तो आप प्रूफ कर सको कि माल मेरे पास आया था या सर्विस मैंने लिया। तो जब तुम डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, यानी गाड़ी वाला जो ड्राइवर लेके आएंगे, ड्राइवर भाई साहब, वो आपको साथ में लाएंगे, ओरिजिनल फॉर रेसिपेंट, उस पर स्टाम्प होगा कंपनी का,
सिग्नेचर होगा, वहाँ का जो ऑथराइज बंदा होगा उसका सिग्नेचर होगा। तो ये प्रूफ रखो और MRN GRN मटेरियल रिसीव नोट, गुड रिसीव नोट जरूर बनवाओ, स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करो, स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करो। कोई सॉफ्टवेयर आपके पास है अकाउंटिंग का, स्टॉक मेंटेन करने का, वहाँ पे करो। ओपनिंग क्लोजिंग इस बिल के तरह इनवर्ड हुआ, उस माल को कहाँ पे आपने कंजम्पशन किया, ये सारी डिटेल अपने पास रखो। जितना डिटेल होगा उतनी अच्छा से आप एसेसिंग ऑफिसर को, GST इंस्पेक्टर को, सुपरिंटेंडेंट को समझा सकते हो, जिससे कि आपको बेनिफिट होगा। अब टैक्स पेयर कहता है कि हे श्याम, हे कृष्ण जी, अब दो कंडीशन तो मैंने पूरा कर लिया कि मैंने, मेरे पास, अपन के पास बिल भी है, सेकेंडली अपन ने प्रूफ भी रख रखा। अभी यहाँ पे एक चीज और रखना ध्यान में, जब भी माल परचेज करो, देखो तुम तो ईमानदार हो बेटा, जब ईमानदार हो, कृष्णा कहते हैं कि बेटा जब तू ईमानदार है, CGST एक्ट कहता है तुम्हें कोई मन में डर नहीं, कोई चोरी नहीं है, तो तुम जो पेमेंट करना कैश में मत करना, क्योंकि कैश का कोई प्रूफ नहीं होगा यार। तो फिर कैसे सबूत करोगे, प्रूफ करोगे कि माल आया, मैंने पेमेंट भी किया? उस बंदे को तू पेमेंट दे दे, और वो भी कैसे देना है, तेरे को चेक से देना, RTGS कर देना, NEFT कर देना, चेक दे देना, लेकिन कैश में मत देना, क्योंकि कैश की एंट्री नहीं होगी। 10,000 से कम का बिल हो, 2,000-4,000 है तो कर लोगे, लेकिन GST में 2,000-4,000 का बिल होगा कहां से इतने बड़े बिजनेस में? तो कोशिश करो 100% बैंक को इन्वॉल्व कर लो, यानी एक थर्ड पर्सन को सबूत में खड़ा कर दो, भैया तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे टैक्स पेयर और सप्लायर के प्रेम कहानी के बीच में एक बंदा और खड़ा था, जिसने देखा था, जो प्रूफ है कि मैंने तेरे से माल लिया और तूने मेरे को माल दिया, उसके बदले में मैंने तेरे को पेमेंट किया। मान लो कि वो ये नहीं देख रहा है कि माल मैंने लिया, बट ये तो वो कहेगा कि भाई मैं गवाह हूँ, बैंक गवाह है कि रेसिपेंट ने सप्लायर को पेमेंट किया। तो ये दो चीज तो फुलफिल कर लो। तीसरा कंडीशन जो है वो सी नंबर पार्ट में कहता है कि ये सब्जेक्ट जो है सेक्शन 41 के तहत कहता है कि जो सप्लायर है वो अपना रिटर्न GSTR 1 फाइल किया हो, उसमें आपका बिल को लिया हो, जो टैक्स अमाउंट बचा हो, जो उसका टैक्स अमाउंट बनेगा आपके बिल के तहत, सपोज करो 5,00,000 का अगर बिल लियो, तो उस पर जो भी टैक्स अमाउंट बनेगा GST का, CGST, SGST या IGST का, उस टैक्स को सप्लायर ने जमा किया है गवर्नमेंट के अकाउंट में, या ITC के थ्रू उसने एडजस्ट किया है, यानी कि किसी भी तरह से गवर्नमेंट को पे कर दिया है, ये चीज प्रूफ होना चाहिए। अब यहाँ पे जब लॉ कहता है तो बेचारा टैक्स, ये SSC टैक्स पेयर जो है, जो व्यापारी है, वो कहता है साहब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये इस पे तो मेरा कंट्रोल नहीं ही है, यही तो एक चीज है जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। मैं परचेजर हूँ, मैं रेसिपेंट हूँ, मैंने बिल मेरे पास है, मेरे पास प्रूफ है कि माल आया, बट उस बंदा ने टैक्स मेरा गवर्नमेंट को जमा नहीं किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो रिटर्न नहीं भरा। तो इस पे हम चर्चा करते हैं, इससे अगले पॉइंट को एक बार रीड करके। अगला लॉ ने कहा कि एक चीज और कर ले, ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। ही हैज, ये ही कौन है, ही किसके लिए है, ही है रिसिपेंट के लिए, रिसिपेंट अपना रिटर्न फाइल किया हो, तो भैया ये तो करोगे ही, बिल ले लिया तुमने, हाँ जी ले लिया, बिल का प्रूफ है ना तुम्हारे पास, है, सेकेंड केस में तुमने पेमेंट भी कर दिया और तेरे के पास प्रूफ भी है कि माल मेरे पास या सर्विस, या माल या सर्विस दोनों अपन ने लिया है, और तीसरा केस
अपने रिटर्न भी फाइल कर दिया। निश्चित है जब भी लोगे ईमानदारी से पैसा दे रहे हो, पार्टी को सर्विस लिए हो, गुड्स लिए हो, तो रिटर्न क्यों नहीं फाइल करोगे? तो रिटर्न तुम अपना फाइल कर लो। अब जो ये पॉइंट नंबर सी है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी कहता है कि पार्टी जो सप्लायर है वो भी अपना रिटर्न जमा किया हो, वो अपना टैक्स अमाउंट गवर्नमेंट को पे किया हो, तब तुम्हें आईटीसी मिलेगा। अब यहाँ मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर देखो यहाँ पे दो तीन कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि हो सकता है बाय मिस्टेक सप्लायर ने B2B की जगह पे B2C में कर दिया हो तुम्हारा GSTR नंबर, ये केस हो सकता है, इजीली समझ सकते हो। ये केस मेरे सामने में आया था, एक बिहार का केस था, एक लड़के के साथ, एक व्यापारी के साथ ऐसा हुआ था। तो यहाँ पे तुम रिक्वेस्ट कर लो व्यापारी से, अगर तुम्हारा रिश्ता सही है सप्लायर से, उसे कहो भैया तो अपने रिटर्न को अमेंड करवा दे जो टाइम लिमिट मिल रहा था, अब नहीं किया है तो तू मेरे को एक सर्टिफिकेट दे दे कि मिस्टर XYZ का मैंने GST काटा और उस GST को B2C में जमा कर चुका हूँ उस अमाउंट को, तो भी मुझे क्या होगा ITC मिल जाएगा। अब केस क्या होता है, एक तो ये हुआ, दूसरा केस क्या हुआ कि GST जो जमा करना था सप्लायर का, कंसल्टेंट ने, अकाउंटेंट ने, CA साहब ने, CMA साहब ने क्या किया, बाय मिस्टेक XYZ कंपनी का GST दिया ABC लिमिटेड को दे। अब यहाँ पे भी एक चीज लफड़ा हो गया कि दूसरा बंदा का ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे ITC, तो वो लेगा नहीं। लॉ हमेशा करे भैया मत ले अपना, अगर तेरा नहीं है तो तू न मत ले, तो वो नहीं लेगा। आपने जमा कर दिया और मेरे 2A में आया नहीं तो मैं तो ऐसे ही नहीं ले पाऊंगा। तो गवर्नमेंट कहता है इस केस में भी मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो पैसा आ गया, अब आप प्रूफ करो कि ये बिल आपका है, ये टैक्स अमाउंट आपका है, आपका सप्लायर के साथ रिलेशन अच्छा है। सप्लायर कहता है कि साहब ये इन्हीं का था, बाय मिस्टेक मैंने दूसरे कंपनी के क्रेडिट कर दिया, तो आप इनको ये अमाउंट दे दो, ये सर्टिफिकेट उस बंदे से तुम लिखवा के ले लो कि भैया तुम्हारा बाय मिस्टेक उसमें चला गया, जमा हो गया। तो यहाँ भी मिल सकता है, लेकिन मिल कहाँ नहीं सकता है अगर वो GSTR 1 जमा नहीं किया। यहाँ पे तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो इस चीज़ को अपने को क्या करना है, जब असेसमेंट होगा तो अपने को ये तीन तो फुलफिल कर लो, तीन कंडीशन। ये सी नंबर कंडीशन है, अगर नहीं भी फुलफिल होता है तो चांसेस अपने पास हैं फाइट करने का, गवर्नमेंट दे सकते हैं। क्योंकि जब एक आगे नोटिफिकेशन अमेंडमेंट आया कि जितने भी गलतियां ITC में होती हैं उसका रेसिपेंट और सप्लायर बोथ आर इक्वल लाइबल हैं, ना कि सिर्फ रेसिपेंट की क्या गलती है, अगर सही से जजमेंट हो तो हमारी क्या गलती है भैया, मैं जितना बिजनेस व्यापारी सप्लायर ने अपन पे जितना टैक्स लगाया मैंने उसे पेड कर दिया, अब उसने नहीं किया तो मैं उसे डंडा मारूंगा तो नहीं कि भैया तू कर, मुझे व्यापार करना है, मैं क्रिमिनल तो हूं नहीं। तो जजमेंट अगर नीट एंड क्लीन जस्टिस हो तो अपने को यहां पे मिल जाएगा। अब इस आपके पास अगर ये सारी चीजें रहेंगे तो प्रूफ ले सकते हो। हाँ, ये चीज याद रखना कि ये केस डिस्प्यूट में जरूर जाएगा आपका, आपको GSTR 9 जब फाइल करोगे तो आपके पास नोटिस भी आएंगे, और उस नोटिस के लिए आप रेडी रहो, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, प्रूफ रेडी रखो, और वो सारा प्रूफ दो तो आपको डिसीजन आपके पक्ष में आएगा, आपके फेवर में आएगा, और आप ITC ले सकते हो। तो इस केस में मैं कहूंगा कि आप ITC ले लो, लेकिन ये सारे प्रूफ रखो अपने पास। क्या क्या प्रूफ रखो, इनवॉइस का कॉपी रखो, प्रूफ रखो कि पेमेंट किए हो, प्रूफ रखो कि गुड्स या सर्विस या दोनों चीज हमने लिया है और अपना रिटर्न फाइल किए हो, तब जाके ITC आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, अगर आपको मिस्टेक हो रही है, आपको नहीं मिल रहा है, आप नहीं ले पा रहे हो, तो ITC ले लो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारी वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोग
जान सकें और जिनके साथ ये सिचुएशन हो रही है वो बेनिफिट इसका लें, वो रिटर्न फाइल करके आईटीसी ले सकते हैं। हाँ, मैं फिर कहूँगा कि डिस्प्यूट जरूर होगा, नोटिस जरूर आएगा, उस समय आप अपने पेपर्स को लेके सबमिट करिए, शो करिए इंस्पेक्टर के सामने, असेसिंग ऑफिसर के सामने, सुपरिंटेंडेंट के सामने, और आप बेनिफिट ले सकते हो, प्रेजेंट करो, आपको मिल जाएगा। तो इम्पोर्टेंट वीडियो था दोस्तों, इसलिए मैंने आपके लिए बनाया हूँ। थैंक यू, बाय बाय।